हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस इज प्रियमदा श्रीवास, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लुक अट्रैक्टिव। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करके आप किस तरह से सुंदर अच्छे लग सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्किन के, अपने हेयर के। अब तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत पीले होते हैं, जब भी वो स्माइल करते हैं या बोलते हैं तो देखने में काफ़ी बुरा लगता है। तो सबसे पहले आपको लेना है बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा अपने हथेली पे ले लो और उसके बाद से नींबू ले लो आधा। नींबू को आपको अच्छे से उस निचोड़ लेना है बेकिंग सोडा में और उसको मिक्स कर लो अच्छे से। उसको मिक्स कर लो अच्छे से। मिक्स करने के बाद आपको अपना टूथ ब्रश लेना है जिससे आप डेली ब्रश करते हो। उसको ले करके आपको अच्छे से अपने दांतों पे ब्रश करना है। मनली 1 मिनट ब्रश करने के बाद से आप धुल लेना है दांतों को। और अगर दांतों की बात हो रही है, स्माइल की बात हो रही है, तो हम अपनी लिप्स को भी कैसे छोड़ सकते हैं, तो लिप्स की भी बात करेंगे। तो अगर हमारे लिप्स ड्राई लगते हैं या फिर फटे हों, काले हों, तो वो देखने में काफ़ी बुरा लगता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करना है। आपको लगाना है लिप बॉम, और लिप बॉम लगाएं आप डेली। तो आप जो भी लिप बॉम लगाएं उसमें SPF ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हाँ, जब भी हम बाहर निकलते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं चेहरे पे, हमारा चेहरा तो बच जाता है पर हमारे लिप्स भी काले होते हैं, तो लिप्स पर भी SPF की ज़रूरत होती है। तो SPF वाला लिप बॉम ले लें। और इसके साथ साथ में आप कर सकते हैं स्क्रब अपने लिप्स पे। तो आप किसी भी तरह के स्क्रब को, जैसे कि शुगर पाउडर हो सकता है या राइस पाउडर। तो इसके बाद से हम अब बात करेंगे अपने हेयर्स के बारे में। तो हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करें, कंडीशनर का यूज़ करें अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राइंग हैं। और साथ ही साथ में अगर आपके पास से कोई स्ट्रेटनर हो या फिर कर्लर हो, तो वो भी मुझे लगता है कि अगर आप ले सकते हो, आपके बजट में है, तो आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास हेयर स्ट्रेटनर या कर्लर हो तो आप अपने बालों के साथ में और भी अच्छे अच्छे लुक क्रिएट कर सकते हो और भी ब्यूटीफुल दिख सकते हो। तो ये इसके बाद से हम बात करेंगे फुटवेयर्स के बारे में। तो जब भी हम किसी को देखते हैं तो उसके कपड़ों को, स्किन को, मेकअप को, साथ साथ में हम उसके फुटवेयर्स को भी देखते हैं कि वो भी हमारे लुक्स में मैटर करते हैं, वो भी हमारे लुक्स को इनहेंस करते हैं। तो आपके पास एक फुटवेयर का कलेक्शन होना चाहिए। मुझे स्नीकर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा व्हाइट स्नीकर्स हैं या फिर ब्लैक। साथ साथ में आपके पास में कुछ हाई हील्स वाले सैंडल्स हों, कुछ फ्लैट्स हों, इस तरीके से आप अगर कुछ कलेक्शन रख सकते हैं तो आप जरूर रखना तो आपको जरूर रखना चाहिए। और तो इसके बाद से हम बात करेंगे हैंड बैग के बारे में, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। हैंड बैग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारा, और स्पेशली वीमेंस को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है हैंड बैग। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। करो, कभी भी आप कहीं पर भी जाओ तो बिना हैंड बैग के मत जाओ। ट्राई करो कि आप हैंड बैग लेके जाओ, क्योंकि हैंड बैग के साथ में जब आप जाते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप हैंड बैग यूज़ करते हैं तो आप उसमें अपने सामान को भी कैरी कर सकते हैं। अगर जो तो हैंड बैग यूज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूज नहीं करते हो तो प्लीज़ यूज़ करना स्टार्ट करो। तो इसके बाद से हम बात करने वाले हैं ड्रेसेस के बारे में। ड्रेसेस के में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहने। कभी भी आपको एक सेम स्टाइल के कपड़े हमेशा कैरी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप भी बोर हो जाते हैं देखने वाले। अगर आपके पास कम ही कपड़े हैं और उसको आप अच्छे से क्लीन करके रखते हो, प्रेस करके जो भी है उसको अच्छे से पहनते हो, ऐसा ना हो कि आप जिस आपने जो पहना है उसमें सिकुड़न हो या फिर वो बहुत ही पुराना लग रहा हो, गंदा हो, तो इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा कपड़े में। और अलग अलग तरह के कपड़ों को भी ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे आप अलग अलग कपड़ों के साथ में अलग अलग लुक क्रिएट कर सकते हो। और जब भी आप कपड़े खरीदने जाओ तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके ऊपर किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, आपके बॉडी शेप के हिसाब से या फिर आपके बॉडी कलर के हिसाब से आप। और इसके बाद से हम बात करेंगे अपने हैंड्स के बारे में, हाथों को सुंदर बनाने के बारे में। तो अगर आपके हाथ भी अच्छे हों, अगर आपने आपके नेल्स क्लीन ना हो और उस पर अच्छा सा कलर पेंट ना लगा हो, या फिर अगर आप
अगर आपको छोटे नेल्स पसंद है तो आपको छोटे नेल्स रखो, और बड़े नेल्स पसंद है तो बड़े नेल्स रखो, बस सफाई रखो। और साथ ही साथ में अपने नेल्स पे और हैंड्स पे भी स्क्रब करना चाहिए, मॉइस्चराइजर का यूज़ करना चाहिए। जो भी आप फेस पे, आप बॉडी पे यूज़ करते हो, उसको आप अपने हैंड्स पे भी यूज़ करो, जिससे कि आपके हाथ सुंदर लगेंगे। और तो ये रहे छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हमने बात की कि किन किन हम अट्रैक्टिव लग सकते हैं और सुंदर लग सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं इस तरीके के और भी वीडियोस लाऊंगी। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।